ये स्टोरी है एक यंग लड़के की जो एक क्लर्क था। वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करता था और वो उसमें खुश भी था। ऑफिस में सब उसकी तारीफ करते थे। एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया कि हम तुम्हें प्रमोशन ऑफर कर रहे हैं, तुम्हें डिपार्टमेंट का हेड बना रहे हैं। उस लड़के ने बड़ी ही विनम्रता से उस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि मैं जो भी हूं उसमें खुश हूं, मैं और कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। तब उस वक्त उसके बॉस ने कहा कि तुम जो कर रहे हो काम वो बहुत इजी है और तुम अच्छा ही कर रहे हो और आगे उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, लेकिन तुम अपने आप को क्यों मर्यादा में बांध रहे हो, क्यों अपनी शक्ति को कम आंक रहे हो। पॉसिबल है डिपार्टमेंट का हेड बनकर भी तुम अच्छा काम कर सकते हो। दोस्तों, कहानी छोटी है लेकिन इसका मोरल बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना चाहिए, उस पर चांस लेना चाहिए। हमें रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्क लोगे तभी सफलता मिलने का चांस बढ़ेगा। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना।